वीडियोस को आप लास्ट तक देखेंगे और हर वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले ड्राइंग कर दूं, दिखा दूं, उसके बाद से मैं उसका कंक्लूजन करूं, उसको समझाऊं कि कैसे वीडियोस बनेगा।
हेलो स्टूडेंट, ये स्टिल लाइफ है। मैंने इसे स्टेप वाइज अभी बनाया है और आपको समझ में आए इसलिए इस तरह के ड्राइंग के लास्ट में मैं कंक्लूजन करके आपको बताता हूँ कि ड्राइंग कैसे बनता है। तो वीडियोस लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। वैसे मैंने वीडियोस में स्टेप वाइज आपको बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ फिर आपको बता दे रहा हूँ ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं लेआउट किया था, आपको याद है, मैं हल्के लाइन से यहाँ पे ओवल बनाया, फिर यहाँ एक लाइन दिया, ये सारे मेरे लेआउट थे। लेआउट इतने हल्के होने चाहिए कि अगर उसको थोड़ा सा भी अगर इरेजर लगाया जाए तो लेआउट बहुत इजी वे में वो समाप्त हो जाए। आगे आता है कि जैसे लेआउट हो जाता है तो जस्ट इसके आगे फर्स्ट टोन सेकेंड टोन का यूज करते हुए शेडिंग करेंगे। जब फर्स्ट टोन और सेकेंड टोन का यूज हम लोग कर लेंगे तब तीसरे टोन का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा टोन यानी कि और डार्क। जैसे अगर हम बताएं कि ये वाला पोर्शन फर्स्ट टोन हो जाता है, ये सेकेंड टोन हो जाता है, और जो डार्क दिख रहा है, बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, ये हो जाता है थर्ड टोन। इस सारी प्रक्रिया में लाइट का विशेष आप ध्यान रखेंगे, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा हो ठीक उसके विपरीत शेड होना चाहिए। इसमें चार चीजें हैं, एक होता है लाइट, दूसरा है शेड, तीसरा है कास्ट शैडो यानी कि इसकी परछाई, और चौथा है हाईलाइट। हाईलाइट जैसे लाइट जिस डायरेक्शन से आता है उस साइड में लाइट के वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें चमक पैदा होती है, जो चमक व्हाइट होता है यानी कि जिस तरह का लाइट का कलर होगा उसी हिसाब से वो चमक होता है। तो यहाँ पे चमक है, इस ब्रश पे चमक है, यहाँ भी चमक है, यहाँ भी चमक है, तो ये सारे हाइलाइट्स होते हैं। एक चीज इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप लेआउट करें, लेआउट बहुत हल्का होना चाहिए, ये बात आपको पता है, लेकिन लेआउट के बाद आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइनिंग नहीं करने हैं। अगर आप आउटलाइनिंग कर लेते हैं तो ड्राइंग पूरी तरह गलत हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग में क्या होना चाहिए, उसको रियलिस्टिक फील होना चाहिए। और लाइट का डायरेक्शन जिधर से आता है, जैसे यहाँ से अगर लाइट का डायरेक्शन आता है, अगर इस डायरेक्शन में हमने आउटलाइनिंग कर दिया तो आउटलाइनिंग वो एक काल्पनिक चीज हो जाता है, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट में उसी साइड लाइट के डायरेक्शन साइड में कभी डार्क लाइन नहीं हो सकता है। हम इसके ठीक अपोजिट डार्क लाइन दे सकते हैं क्योंकि वो शेड में आ जाता है। तो वीडियोस को आप लास्ट तक देखेंगे, और हर वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले ड्राइंग कर दूं, दिखा दूं, उसके बाद से मैं उसका कंक्लूजन करूं, उसको समझाऊं कि कैसे वीडियोस बनेगा। और जरूर आप इस चैनल को यानी आराध्या चित्रकला चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट्स भी लिखें कि कैसा आपको वीडियोज लगा और किस तरह के आपको वीडियोज चाहिए।